वाइस की किताब पहला बाब जिंदगी बेकार है। शाहे यरूशलेम दाऊद के बेटे वाइस की बातें। बातिल ही बातिल, वाइस कहता है बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। इंसान को उस सारी मेहनत से जो वो दुनिया में करता है क्या हासिल है? एक पुश्त जाती है और दूसरी पुश्त आती है, पर जमीन हमेशा कायम रहती है। सूरज निकलता है और सूरज ढलता भी है और अपने तुलू की जगह को जल्द चला जाता है। हवा जुनूब की तरफ चली जाती है और चक्कर खाकर शिमाल की तरफ फिरती है। ये सदा चक्कर मारती है और अपनी गश्त के मुताबिक दौरा करती है। सब नदियां समुन्द्र में गिरती हैं पर समुन्द्र भर नहीं जाता। नदियां जहां से निकलती हैं उधर ही को फिर जाती हैं। सब चीजें मांदगी से पुर हैं, आदमी इसका बयान नहीं कर सकता। आंख देखने से आसूदा नहीं होती और कान सुनने से नहीं भरता। जो हुआ वही फिर होगा और जो चीज बन चुकी है वही है जो बनाई जाएगी और दुनिया में कोई चीज नई नहीं। क्या कोई चीज ऐसी है जिसकी बाबत कहा जाता है कि देखो ये तो नई है? वो तो साबिक में हमसे पेशतर के जमानों में मौजूद थी। अगलों की कोई यादगार नहीं और आने वालों की अपने बाद के लोगों के दरमियान कोई याद ना होगी। फलसफी का जाती तजर्बा। मैं वाइज यरूशलेम में बनी इसराइल का बादशाह था और मैंने अपना दिल लगाया कि जो कुछ आसमान के नीचे किया जाता है उस सब की तफ्तीश और तहकीक करूं। खुदा ने बनी आदम को यह सख्त दुख दिया है कि वो मशक्कत में मुब्तला रहें। मैंने सब कामों पर जो दुनिया में किए जाते हैं नजर की और देखो ये सब कुछ बुतलान और हवा की चरान है। वो जो टेढ़ा है सीधा नहीं हो सकता और नाकिस का शुमार नहीं हो सकता। मैंने ये बात अपने दिल में कही, देख मैंने बड़ी तरक्की की, बल्कि उन सबों से जो मुझसे पहले यरूशलेम में थे ज्यादा हिकमत हासिल की। हां मेरा दिल हिकमत और दानिश में बड़ा कारदान हुआ। लेकिन जब मैंने हिकमत के जानने और हमाकत व जहालत के समझने पर दिल लगाया तो मालूम किया कि ये भी हवा की चरान है, क्योंकि बहुत हिकमत में बहुत गम है और इल्म में तरक्की दुख की फरावानी है। दूसरा बाब। मैंने अपने दिल से कहा, आ मैं तुझको खुशी से आजमाऊंगा, सो इशरत कर ले, लो ये भी बुतलान है। मैंने हंसी को दीवाना कहा और शादमानी के बारे में कहा, इससे क्या हासिल? मैंने दिल में सोचा कि जिस्म को मैं नोशी से क्यों कर ताजा करूं और अपने दिल को हिकमत की तरफ माइल रखूं और क्यों कर हमाकत को पकड़े रहूं, जब तक मालूम करूं कि बनी आदम की बहबूदी किस बात में है कि वो आसमान के नीचे उम्र भर यही किया करी। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए इमारतें बनाई और मैंने अपने लिए ताकिस्तान लगाए, मैंने अपने लिए बागीचे और बाग तैयार किए और उनमें हर किस्म के मेवादार दरख्त लगाए, मैंने अपने लिए तालाब बनाए कि उनमें से बाग के दरख्तों का जखीरा सींचूं, मैंने गुलामों और लौंडियों को खरीदा और नौकर चाकर मेरे घर में पैदा हुए और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे मैं उनसे कहीं ज्यादा गाय बैल और भेड़ बकरियों का मालिक था। मैंने सोना और चांदी और बादशाहों और सूबों का खास खजाना अपने लिए जमा किया। मैंने गाने वालों और गाने वालियों को रखा और बनी आदम के असबाब ऐश यानी लौंडियों को अपने लिए कसरत से फराहम किया। सो मैं बुजुर्ग हुआ और उन सबों से जो मुझसे पहले यरूशलेम में थे
ज्यादा बढ़ गया। मेरी हिकमत भी मुझ में कायम रही और सब कुछ जो मेरी आंखें चाहती थी मैंने उनसे बाज न रखा। मैंने अपने दिल को किसी तरह की खुशी से ना रोका, क्योंकि मेरा दिल मेरी सारी मेहनत से शादमान हुआ और मेरी सारी मेहनत से मेरा बखरा यही था। फिर मैंने उन सब कामों पर जो मेरे हाथों ने किए थे और उस मुशक्कत पर जो मैंने काम करने में खींची थी नजर की और देखा कि सब बुतलान और हवा की चरान है और दुनिया में कुछ फायदा नहीं। और मैं हिकमत और दीवानगी और हमाकत के देखने पर मतवज्जे हुआ, क्योंकि वो शख्स जो बादशाह के बाद आएगा क्या करेगा, वही जो होता चला आया है। और मैंने देखा कि जैसी रोशनी को तारीकी पर फजीलत है, वैसी ही हिकमत हमाकत से अफजल है। दानिश्वर अपनी आंखें अपने सर में रखता है, पर अहमक अंधेरे में चलता है। तो भी मैं जान गया कि एक ही हादसा उन सब पर गुजरता है। तब मैंने दिल में कहा, जैसा अहमक पर हादसा होता है वैसा ही मुझ पर भी होगा, फिर मैं क्यों ज्यादा दानिश्वर हुआ। सो मैंने दिल में कहा कि ये भी बुतलान है, क्योंकि ना दानिश्वर और ना अहमक की यादगार अबद तक रहेगी, इसलिए कि आने वाले दिनों में सब कुछ फरामोश हो चुकेगा। और दानिश्वर क्यों कर अहमक की तरह मरता है। बस मैं जिंदगी से बेजार हुआ, क्योंकि जो काम दुनिया में किया जाता है मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब बुतलान और हवा की चरान है। बल्कि मैं अपनी सारी मेहनत से जो दुनिया में की थी बेजार हुआ, क्योंकि जरूर है कि मैं उसे उस आदमी के लिए जो मेरे बाद आएगा छोड़ जाऊं। और कौन जानता है कि वो दानिश्वर होगा या अहमक। बहरहाल वो मेरी सारी मेहनत के काम पर जो मैंने किया और जिसमें मैंने दुनिया में अपनी हिकमत जाहिर की जाबित होगा, ये भी बुतलान है। तब मैं फिरा कि अपने दिल को उस सारे काम से जो मैंने दुनिया में किया था ना उम्मीद करूं, क्योंकि ऐसा शख्स भी है जिसके काम हिकमत और दानाई और कामयाबी के साथ हैं, लेकिन वो उनको दूसरे आदमी के लिए जिसने उनमें कुछ मेहनत नहीं की उसकी मीरास के लिए छोड़ जाएगा। ये भी बुतलान और बलाए असीम है, क्योंकि आदमी को उसकी सारी मुशक्कत और जांफिशानी से जो उसने दुनिया में की क्या हासिल है, क्योंकि उसके लिए उम्र भर गम है और उसकी मेहनत मातम है, बल्कि उसका दिल रात को भी आराम नहीं पाता, ये भी बुतलान है। बस इंसान के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि वो खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत के दरमियान खुश होकर अपना जी बहलाए। मैंने देखा कि ये भी खुदा के हाथ से है, इसलिए कि मुझसे ज्यादा कौन खा सकता और कौन मजा उड़ा सकता है, क्योंकि वो उस आदमी को जो उसके हजूर में अच्छा है हिकमत और दानाई और खुशी बख्शता है, लेकिन गुनाहगार को जहमत देता है कि वो जमा करे और अंबार लगाए ताकि उसे दे जो खुदा का पसंदीदा है। ये भी बुतलान और हवा की चरान है। तीसरा बाब। हर बात का एक वक्त है, हर चीज का एक मौका, और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है। ढाने का एक वक्त है और तामीर करने का एक वक्त है। रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है। गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। पत्थर फेंकने का एक वक्त है और पत्थर बटोरने का एक वक्त है। हम आगोशी का एक वक्त है और हम आगोशी से बाज रहने का एक वक्त है।
हासिल करने का एक वक्त है और खो देने का एक वक्त है, रख छोड़ने का एक वक्त है और फेंक देने का एक वक्त है, फाड़ने का एक वक्त है और सीने का एक वक्त है, चुप रहने का एक वक्त है और बोलने का एक वक्त है, मोहब्बत का एक वक्त है और अदावत का एक वक्त है, जंग का एक वक्त है और सुलह का एक वक्त है, काम करने वाले को उससे जिसमें वो मेहनत करता है क्या हासिल होता है। मैंने उस सख्त दुख को देखा जो खुदा ने बनी आदम को दिया है कि वो मुशक्कत में मुब्तला रहे। उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया और उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागुजी किया है, इसलिए कि इंसान उस काम को जो खुदा शुरू से आखिर तक करता है दरियाफ्त नहीं कर सकता। मैं यकीनन जानता हूं कि इंसान के लिए यही बेहतर है कि खुश वक्त हो और जब तक जीता रहे नेकी करे, और यह भी कि हर एक इंसान खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत से फायदा उठाए, यह भी खुदा की बख्शिश है। और मुझको यकीन है कि सब कुछ जो खुदा करता है हमेशा के लिए है, उसमें कुछ कमी बेशी नहीं हो सकती, और खुदा ने यह इसलिए किया है कि लोग उसके हुजूर डरते रहें। जो कुछ है वो पहले हो चुका और जो कुछ होने को है वो भी हो चुका, और खुदा गुज़श्ता को फिर तलब करता है। दुनिया में बेइंसाफी। फिर मैंने दुनिया में देखा कि अदालत गाह में जुल्म है और सदाकत के मकान में शरारत है। तब मैंने दिल में कहा कि खुदा रास्तबाजों और शरीरों की अदालत करेगा, क्योंकि हर एक अमर और हर काम का एक वक्त है। मैंने दिल में कहा कि यह बनी आदम के लिए है कि खुदा उनको जांचे और वो समझ लें कि हम खुद हैवान हैं, क्योंकि जो कुछ बनी आदम पर गुजरता है वही हैवान पर गुजरता है, एक ही हादसा दोनों पर गुजरता है, जिस तरह ये मरता है उसी तरह वो मरता है। हां, सब में एक ही सांस है और इंसान को हैवान पर कुछ फौकियत नहीं, क्योंकि सब बुतलान है, सबके सब एक ही जगह जाते हैं, सबके सब खाक से हैं और सबके सब फिर खाक से जा मिलते हैं। कौन जानता है कि इंसान की रूह ऊपर चढ़ती और हैवान की रूह जमीन की तरफ नीचे को जाती है। बस मैंने देखा कि इंसान के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि वो अपने कारोबार में खुश रहे, इसलिए कि उसका बखरा यही है, क्योंकि कौन उसे वापस लाएगा कि जो कुछ उसके बाद होगा देख ले। चौथा बाब। तब मैंने फिरकर उस तमाम जुल्म पर जो दुनिया में होता है नजर की और मजलूमों के आंसुओं को देखा, और उनको तसल्ली देने वाला कोई न था और उन पर जुल्म करने वाले जबरदस्त थे, पर उनको तसल्ली देने वाला कोई न था। बस मैंने मुर्दों को जो आगे मर चुके उन जिंदों से जो अब जीते हैं ज्यादा मुबारक जाना, बल्कि दोनों से नेक बख्त वो है जो अब तक हुआ ही नहीं, जिसने वो बुराई जो दुनिया में होती है नहीं देखी। फिर मैंने सारी मेहनत के काम और हर एक अच्छी दस्तकारी को देखा कि इसके सबब से आदमी अपने हमसाये से हसद करता है, ये भी बुतलान और हवा की चरान है। वे दानिश अपने हाथ समेटता है और आप ही अपना गोश्त खाता है। एक मुट्ठी भर जो चैन के साथ हो उन दो मुट्ठियों से बेहतर है जिनके साथ मेहनत और हवा की चरान हो। और मैंने फिर कर दुनिया के बुतलान को देखा, कोई अकेला है और उसके साथ कोई दूसरा नहीं, उसके ना बेटा है ना भाई, तो भी उसकी सारी मेहनत की इंतहा नहीं, और उसकी आंख
दौलत से सेर नहीं होती। वो कहता है, मैं किसके लिए मेहनत करता और अपनी जान को ऐश से महरूम रखता हूं। ये भी बुतलान है। हाँ, ये सख्त दुख है। एक से दो बेहतर हैं, क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है। क्योंकि अगर वो गिरे तो एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। फिर अगर दो इकट्ठे लेटे तो गर्म होते हैं, पर अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। और अगर कोई एक पर गालिब हो तो दो उसका सामना कर सकते हैं, और तेहरी डोरी जल्द नहीं टूटती। मिस्कीन और दानिशमंद लड़का उस बूढ़े बेवकूफ बादशाह से जिसने नसीहत सुनना तर्क कर दिया बेहतर है, क्योंकि वो कैदखाने से निकलकर बादशाही करने आया, बावजूद के वो जो सल्तनत ही में पैदा हुआ मिस्कीन हो चला। मैंने सब जिंदों को जो दुनिया में चलते फिरते हैं देखा कि वो उस दूसरे जवान के साथ थे जो उसका जानशीन होने के लिए बर्पा हुआ। उन सब लोगों का, यानी उन सब का जिन पर वो हुक्मरान था, कुछ शुमार ना था। तो भी वो जो उसके बाद उठेंगे उससे खुश ना होंगे। यकीनन ये भी बुतलान और हवा की चरान है। पांचवा बाब, बेतामल वादे ना करो। जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शिनवा होने के लिए जाना अहमकों के से जबीहे गुजरानने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। बोलने में जल्दबाजी न कर, और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हुजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर, इसलिए तेरी बातें मुख्तसर हों। क्योंकि काम की कसरत के बायस से ख्वाब देखा जाता है, और अहमक की आवाज बातों की कसरत होती है। जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर न कर, क्योंकि वो अहमकों से खुश नहीं है। तू अपनी मन्नत को पूरा कर। तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत माने और अदा ना करे। तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनाहगार ना बनाए, और फरिश्ते के हुजूर मत कह कि भूल चूक थी। खुदा तेरी आवाज से क्यों बेजार हो और तेरे हाथों का काम बर्बाद करे, क्योंकि ख्वाबों की ज्यादती और बतालत और बातों की कसरत से ऐसा होता है, लेकिन तू खुदा से डर। जिंदगी बेकार है। अगर तू मुल्क में मिस्कीनों को मजलूम और अदलो इंसाफ को मतरूक देखे तो इससे हैरान ना हो, क्योंकि एक बड़ों से बड़ा है जो निगाह करता है, और कोई इन सब से भी बड़ा है। जमीन का हासिल सबके लिए है, बल्कि काश्तकारी से बादशाह का भी काम निकलता है। जर दोस्त रुपये से आसूदा ना होगा, और दौलत का चाहने वाला उसके बढ़ने से सेर ना होगा। यह भी बुतलान है। जब माल की फरावानी होती है तो उसके खाने वाले भी बहुत हो जाते हैं, और उसके मालिक को सिवा इसके कि उसे अपनी आंखों से देखे और क्या फायदा है। मेहनती की नींद मीठी है, खा वो थोड़ा खाए खा बहुत, लेकिन दौलत की फरावानी दौलतमंद को सोने नहीं देती। एक बलाए अजीम है जिसे मैंने दुनिया में देखा, यानी दौलत, जिसे उसका मालिक अपने नुकसान के लिए रख छोड़ता है, और वो माल किसी बुरे हादसे से बर्बाद होता है। और अगर उसके घर में बेटा पैदा होता है तो उस वक्त उसके हाथ में कुछ नहीं होता। जिस तरह से वो अपनी मां के पेट से निकला, उसी तरह नंगा जैसा कि आया था फिर जाएगा, और अपनी मेहनत की उजरत में कुछ ना पाएगा जिसे वो अपने हाथ में ले जाए।
और ये भी बलाए अजीम है कि ठीक जैसा वो आया था वैसा ही जाएगा, और उसे इस फजूल मेहनत से क्या हासिल है। वो उम्र भर बेचैनी में खाता है और उसकी दिकदारी और बेजारी और खफगी की इंतहा नहीं। लो, मैंने देखा कि यह खूब है बल्कि खुशनुमा है कि आदमी खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत से जो वो दुनिया में करता है, अपनी तमाम उम्र जो खुदा ने उसे बख्शी है, राहत उठाए, क्योंकि उसका बखरा यही है। नीज हर एक आदमी जिसे खुदा ने मालो असबाब बख्शा और उसे तौफीक दी कि उसमें से खाए और अपना बखरा ले और अपनी मेहनत से शादमान रहे, ये तो खुदा की बख्शिश है। बस वो अपनी जिंदगी के दिनों को बहुत याद ना करेगा, इसलिए कि खुदा उसकी खुश दिली के मुताबिक उससे सुलूक करता है। छठा बाब। एक जबूनी है जो मैंने दुनिया में देखी और वो लोगों पर गिरा है। कोई ऐसा है कि खुदा ने उसे धन दौलत और इज्जत बख्शी है, यहां तक कि उसको किसी चीज की जिसे उसका जी चाहता है कमी नहीं, तो भी खुदा ने उसे तौफीक नहीं दी कि उससे खाए, बल्कि कोई अजनबी उसे खाता है। यह बुतलान और सख्त बीमारी है। अगर आदमी के 100 फरसंद हो और वो बहुत बरसों तक जीता रहे, यहां तक कि उसकी उम्र के दिन बेशुमार हो, पर उसका जी शादमानी से सेर न हो और उसका दफन न हो, तो मैं कहता हूं कि वो हमल जो गिर जाए उससे बेहतर है, क्योंकि वो बतालत के साथ आया और तारीकी में जाता है और उसका नाम अंधेरे में पोशीदा रहता है। उसने सूरज को भी ना देखा ना किसी चीज को जाना, बस वो उस दूसरे से ज्यादा आराम में है। हाँ, अगरचे वो 2000 बरस तक जिंदा रहे और उसे कुछ राहत ना हो, क्या सबके सब एक ही जगह नहीं जाते? आदमी की सारी मेहनत उसके मुंह के लिए है, तो भी उसका जी नहीं भरता, क्योंकि दानिशमंद को अहमक पर क्या फजीलत है, और मिस्कीन को जो जिंदों के सामने चलना जानता है क्या हासिल है। आंखों से देख लेना आरजू की आवारगी से बेहतर है, ये भी बुतलान और हवा की चरान है। जो कुछ हुआ है उसका नाम जमाने कदीम में रखा गया, और ये भी मालूम है कि वो इंसान है और वो उसके साथ जो उससे जोर आवर है झगड़ नहीं सकता, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जिनसे बतालत फरावान होती है। बस इंसान को क्या फायदा है, क्योंकि कौन जानता है कि इंसान के लिए उसकी जिंदगी में, यानी उसकी बातिल जिंदगी के तमाम अयाम में, जिनको वो परछाई की मानिंद बसर करता है, कौन सी चीज फायदेमंद है, क्योंकि इंसान को कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या वाक़े होगा। सातवां बाब। जिंदगी के बारे में ख्यालात। नेक नामी बेशबहा इतर से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने के दिन से। मातम के घर में जाना ज़ियाफ़त के घर में दाखिल होने से बेहतर है, क्योंकि सब लोगों का अंजाम यही है। और जो जिंदा है अपने दिल में इस पर सोचेगा। गमगीनी हंसी से बेहतर है, क्योंकि चेहरे की उदासी से दिल सुधर जाता है। दाना का दिल मातम के घर में है, लेकिन अहमक का जी इशरत खाने से लगा है। इंसान के लिए दानिशवर की सरजनश सुनना अहमकों का राग सुनने से बेहतर है। जैसा हांडी के नीचे कांटों का चटकना, वैसे ही अहमक का हंसना है, ये भी बुतलान है। यकीनन जुल्म दानिश्वर आदमी को दीवाना बना देता है और रिश्वत अक्ल को तबाह करती है। किसी बात का अंजाम उसके आगाज से बेहतर है और बुर्दबार मुतकब्बिर मिजाज से अच्छा है। तू अपने जी में खफा होने में जल्दी ना कर,
क्योंकि खफगी अहमकों के सीनों में रहती है। तू ये ना कह कि अगले दिन इनसे क्यों कर बेहतर थे, क्योंकि तू दानिशमंदी से इस अमर की तहकीक नहीं करता। हिकमत खूबी में मीरास के बराबर है, और उनके लिए जो सूरज को देखते हैं ज्यादा सूदमंद है, क्योंकि हिकमत वैसी ही पनाहगाह है जैसे रुपया। लेकिन इल्म की खास खूबी यह है कि हिकमत साहिब हिकमत की जान की मुहाफिज है। खुदा के काम पर गौर कर, क्योंकि कौन उस चीज को सीधा कर सकता है जिसे उसने टेढ़ा किया है। इकबाल मंदी के दिन खुशी में मशगूल हो, पर मुसीबत के दिन में सोच, बल्कि खुदा ने इसको उसके मुकाबिल बना रखा है ताकि इंसान अपने बाद की किसी बात को दरियाफ्त ना कर सके। मैंने अपनी बतालत के दिनों में यह सब कुछ देखा। कोई रास्तबाज अपनी रास्तबाजी में मरता है, और कोई बदकिरदार अपनी बदकिरदारी में उम्र दराजी पाता है। हद से ज्यादा नेकोकार ना हो और हिकमत में एतदाल से बाहर ना जा। इसकी क्या जरूरत है कि तू अपने आप को बर्बाद करे। हद से ज्यादा बदकिरदार ना हो और अहमक ना बन। तू अपने वक्त से पहले काहे को मरेगा। अच्छा है कि तू इसको भी पकड़े रहे और उस पर से भी हाथ ना उठाए, क्योंकि जो खुदा तरस है इन सब से बच निकलेगा। हिकमत साहिब हिकमत को शहर के 10 हाकिमों से ज्यादा जोरावर बना देती है, क्योंकि जमीन पर कोई ऐसा रास्तबाज इंसान नहीं कि नेकी ही करे और खता ना करे। नीज उन सब बातों के सुनने पर जो कही जाएं कान ना लगा। ऐसा ना हो कि तू सुन ले कि तेरा नौकर तुझ पर लानत करता है, क्योंकि तू तो अपने दिल से जानता है कि तूने आप इसी तरह से औरों पर लानत की है। मैंने हिकमत से यह सब कुछ आजमाया है। मैंने कहा कि मैं दानिशमंद बनूंगा, पर वो मुझसे कहीं दूर थी। जो कुछ है सो दूर और निहायत गहरा है, उसे कौन पा सकता है। मैंने अपने दिल को मुतवज्जे किया कि जानूं और तफ्तीश करूं, और हिकमत और खिर्द को दरियाफ्त करूं, और समझूं कि बदी हमाकत है और हमाकत दीवानगी। तब मैंने मौत से तलख तर उस औरत को पाया जिसका दिल फंदा और जाल है, और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं। जिससे खुदा खुश है वो उससे बच जाएगा, लेकिन गुनाहगार उसका शिकार होगा। देख, वाइस कहता है, मैंने एक दूसरे से मुकाबला करके ये दरियाफ्त किया है जिसकी मेरे दिल को अब तक तलाश है पर मिला नहीं। मैंने 1000 में एक मर्द पाया, लेकिन उन सबों में औरत एक भी ना मिली। लो, मैंने सिर्फ इतना पाया कि खुदा ने इंसान को रास्त बनाया, पर उन्होंने बहुत सी बंदिशें तजवीज की। 8वां बाब। बादशाह की इतायत करो। दानिशमंद के बराबर कौन है और किसी बात की तफसीर करना कौन जानता है। इंसान की हिकमत उसके चेहरे को रोशन करती है, और उसके चेहरे की सख्ती उससे बदल जाती है। मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तू बादशाह के हुक्म को खुदा की कसम के सबब से मानता रहे। तू जल्दबाजी करके उसके हजूर से गायब ना हो, और किसी बुरी बात पर इसरार ना कर, क्योंकि वो जो कुछ चाहता है करता है, इसलिए कि बादशाह का हुक्म बा इख्तियार है। और उससे कौन कहेगा कि तू ये क्या करता है। जो कोई हुक्म मानता है बुराई को ना देखेगा, और दानिशमंद का दिल मौके और इंसाफ को समझता है, इसलिए कि हर अमर का मौका और कायदा है। लेकिन इंसान की मुसीबत उस पर भारी है, क्योंकि जो कुछ होगा
उसको मालूम नहीं, और कौन उसे बता सकता है कि क्यों कर होगा। किसी आदमी को रूह पर इख्तियार नहीं कि उसे रोक सके, और मरने का दिन भी उसके इख्तियार से बाहर है, और उस लड़ाई से छुट्टी नहीं मिलती, और ना शरारत उसको जो उसमें गर्क है छुड़ाएगी। शरीरों और रास्तबाजों का मुआजना। ये सब मैंने देखा और अपना दिल सारे काम पर जो दुनिया में किया जाता है लगाया। ऐसा वक्त है जिसमें एक शख्स दूसरे पर हुकूमत करके अपने ऊपर बला लाता है। इसके अलावा मैंने देखा कि शरीर गाड़ी गई और लोग भी आए, और रास्तबाज पाक मकाम से निकले और अपने शहर में फरामोश हो गए। ये भी बुतलान है। चूंकि बुरे काम पर सजा का हुक्म फौरन नहीं दिया जाता, इसलिए बनी आदम का दिल उनमें बदी पर बशिद्दत माइल है। अगरचे गुनाहगार 100 बार बुराई करे और उसकी उम्र दराज हो, तो भी मैं यकीनन जानता हूँ कि उन्ही का भला होगा जो खुदा तर्स हैं और उसके हजूर कांपते हैं। लेकिन गुनाहगार का भला कभी ना होगा, और ना वो अपने दिनों को साए की मानिंद बढ़ाएगा, इसलिए कि वो खुदा के हजूर कांपता नहीं। एक बतालत है जो जमीन पर वकू में आती है कि नेकोकार लोग हैं जिनको वो कुछ पेश आता है जो चाहिए था कि बद किरदारों को पेश आता, और शरीर लोग हैं जिनको वो कुछ मिलता है जो चाहिए था कि नेकोकारों को मिलता। मैंने कहा कि ये भी बुतलान है। तब मैंने खुर्रमी की तारीफ की, क्योंकि दुनिया में इंसान के लिए कोई चीज इससे बेहतर नहीं कि खाए और पिए और खुश रहे, क्योंकि ये उसकी मेहनत के दौरान में उसकी जिंदगी के तमाम आयाम में जो खुदा ने दुनिया में उसे बख्शी उसके साथ रहेगी। जब मैंने अपना दिल लगाया कि हिकमत सीखूं और उस कामकाज को जो जमीन पर किया जाता है देखूं, क्योंकि कोई ऐसा भी है जिसकी आंखों में न रात को नींद आती है न दिन को, तब मैंने खुदा के सारे काम पर निगाह की और जाना कि इंसान उस काम को जो दुनिया में किया जाता है दरियाफ्त नहीं कर सकता, अगरचे इंसान कितनी ही मेहनत से उसकी तलाश करे पर कुछ दरियाफ्त न करेगा, बल्कि हर चंद दानिशमंद को गुमान हो कि उसको मालूम कर लेगा, पर वो कभी उसको दरियाफ्त नहीं कर सकेगा। नवा बाब। इन सब बातों पर मैंने दिल से गौर किया और सब हाल की तफ्तीश की, और मालूम हुआ कि सादिक और दानिशमंद और उनके काम खुदा के हाथ में हैं। सब कुछ इंसान के सामने है, लेकिन वो ना मोहब्बत जानता है ना अदावत। सब कुछ सब पर यकसां गुजरता है, सादिक और शरीर पर, नेकोकार और पाक और नापाक पर, उस पर जो कुर्बानी गुजरानता है और उस पर जो कुर्बानी नहीं गुजरानता, एक ही हादिसा वाक्या होता है। जैसा नेकोकार है वैसा ही गुनहगार है, जैसा वो जो कसम खाता है वैसा ही वो जो कसम से डरता है। सब चीजों में जो दुनिया में होती हैं, एक जबूनी ये है कि एक ही हादिसा सब पर गुजरता है। हां, बनी आदम का दिल भी शरारत से भरा है, और जब तक वो जीते हैं हमाकत उनके दिल में रहती है, और इसके बाद मुर्दों में शामिल होते हैं। चूंकि जो जिंदों के साथ है उसके लिए उम्मीद है, इसलिए जिंदा कुत्ता मुर्दा शेर से बेहतर है, क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे पर मुर्दे कुछ भी नहीं जानते, और उनके लिए और कुछ अजर नहीं क्योंकि उनकी याद जाती रही है। अब उनकी मोहब्बत और अदावत और हसद सब नेस्त हो गए, और ता अबद उन सब कामों में जो दुनिया में किए जाते हैं उनका कोई हिस्सा बखरा नहीं। अपनी राह चला जा, खुशी से अपनी रोटी खा और खुश दिली से अपनी मैं पी, क्योंकि खुदा तेरे अमाल को
कबूल कर चुका है। तेरा लिबास हमेशा सफेद हो और तेरा सर चिकनाहट से खाली ना रहे। अपनी बतालत की जिंदगी के सब दिन जो उसने दुनिया में तुझे बख्शी है, हां अपनी बतालत के सब दिन उस बीवी के साथ जो तेरी प्यारी है, ऐश कर ले कि इस जिंदगी में और तेरी उस मेहनत के दौरान में जो तूने दुनिया में की, तेरा यही बखरा है। जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे मकदूर भर कर, क्योंकि पाताल में जहां तू जाता है ना काम है ना मंसूबा ना इल्म ना हिकमत। फिर मैंने तवज्जो की और देखा कि दुनिया में ना तो दौड़ में तेज रफ्तार को सबकत है, ना जंग में जोरावर को फतह, और ना रोटी दानिशमंद को मिलती है, ना दौलत अकलमंदों को और ना इज्जत अहले खिर्द को, बल्कि उन सब के लिए वक्त और हादिसा है, क्योंकि इंसान अपना वक्त भी नहीं पहचानता। जिस तरह मछलियां जो मुसीबत के जाल में गिरफ्तार होती हैं और जिस तरह चिड़ियां फंदे में फंसाई जाती हैं, उसी तरह बनी आदम भी बदबख्ती में जब अचानक उन पर आ पड़ती है फंस जाते हैं। हिकमत और हमाकत पर ख्यालात। मैंने ये भी देखा कि दुनिया में हिकमत है और ये मुझे बड़ी चीज मालूम हुई। एक छोटा शहर था और उसमें थोड़े से लोग थे। उस पर एक बड़ा बादशाह चढ़ा आया और उसका मुहासरा किया और उसके मुकाबले बड़े बड़े दमदमे बांधे। मगर उस शहर में एक कंगाल दानिश्वर मर्द पाया गया और उसने अपनी हिकमत से उस शहर को बचा लिया। तो भी किसी शख्स ने इस मिस्कीन मर्द को याद ना किया। तब मैंने कहा कि हिकमत जोर से बेहतर है। तो भी मिस्कीन की हिकमत की तहकीर होती है और उसकी बातें सुनी नहीं जाती। दानिश्वरों की बातें जो आहिस्तगी से कही जाती हैं, अहमकों के सरदार के शोर से ज्यादा सुनी जाती हैं। हिकमत लड़ाई के हथियारों से बेहतर है, लेकिन एक गुनहगार बहुत सी नेकी को बर्बाद कर देता है। दसवां बाब। मुर्दा मक्खियां अतार के इत्र को बदबूदार कर देती हैं और थोड़ी सी हमाकत हिकमत और इज्जत को मात कर देती है। दानिश्वर का दिल उसकी दाहिनी हाथ है, पर अहमक का दिल उसकी बाईं तरफ। हाँ, अहमक जब राह चलता है तो उसकी अक्ल उड़ जाती है और वो सबसे कहता है कि मैं अहमक हूं। अगर हाकिम तुझ पर कहर करे तो अपनी जगह ना छोड़, क्योंकि बर्दाश्त बड़े बड़े गुनाहों को दबा देती है। एक जबूनी है जो मैंने दुनिया में देखी, गोया वो एक खता है जो हाकिम से सरजर्द होती है। हमाकत बालानशीन होती है, पर दौलतमंद नीचे बैठते हैं। मैंने देखा कि नौकर घोड़ों पर सवार होकर फिरते हैं और सरदार नौकरों की मानिंद जमीन पर पैदल चलते हैं। गढ़ा खोदने वाला उसी में गिरेगा और दीवार में रखना करने वाले को सांप डसेगा। जो कोई पत्थरों को काटता है उनसे चोट खाएगा और जो लकड़ी चीरता है उससे खतरे में है। अगर कुल्हाड़ा कुंद है और आदमी धार तेज ना करे तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, पर हिकमत हिदायत के लिए मुफीद है। अगर सांप ने अफसून से पहले डसा है तो अफसून घर को कुछ फायदा ना होगा। दानिशमंद के मुंह की बातें लतीफ हैं, पर अहमक के होंठ उसी को निगल जाते हैं। उसके मुंह की बातों की इब्तदा हमाकत है और उसकी बातों की इंतहा फितना अंगेज अबलही। अहमक भी बहुत सी बातें बनाता है, पर आदमी नहीं बता सकता कि क्या होगा और जो कुछ उसके बाद होगा उसे कौन समझा सकता है। अहमक की मेहनत उसे थकाती है, क्योंकि वो शहर को जाना भी नहीं जानता। ऐ ममलकत, तुझ पर अफसोस, जब ना बालिग
तेरा बादशाह हूँ और तेरे सरदार सुबह को खाएं। नेक बख्त है तू ऐ सरजमीन, जब तेरा बादशाह शरीफ ज्यादा हो और तेरे सरदार मुनासिब वक्त पर तवानाई के लिए खाएं, और ना इसलिए कि बदमस्त हूँ। काहली के सबब से कड़ियां झुक जाती हैं और हाथों के ढीले होने से छत टपकती है। हंसने के लिए लोग ज़ियाफ़त करते हैं और मैं जान को खुश करती है, और रुपए से सब मकसद पूरे होते हैं। तू अपने दिल में भी बादशाह पर लानत न कर और अपनी ख्वाबगाह में भी मालदार पर लानत न कर, क्योंकि हवाई चिड़िया बात को ले उड़ेगी और परदार उसको खोल देगा। ग्यारहवां बाब। साहिब हिकमत क्या करता है? अपनी रोटी पानी में डाल दे, क्योंकि तू बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा। 7 को बल्कि 8 को हिस्सा दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि जमीन पर क्या बला आएगी। जब बादल पानी से भरे होते हैं तो जमीन पर बरस कर खाली हो जाते हैं, और अगर दरख्त जुनूब की तरफ या शिमाल की तरफ गिरे तो जहां दरख्त गिरता है वहीं पड़ा रहता है। जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। जैसा तू नहीं जानता है कि हवा की क्या राह है और हामला की रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, वैसा ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बार वर होगा, ये या वो या दोनों के दोनों बराबर बरुमंद होंगे। नूर शीरीन है और आफताब को देखना आंखों को अच्छा लगता है। हां, अगर आदमी बरसों जिंदा रहे तो उनमें खुशी करे, लेकिन तारीकी के दिनों को याद रखे, क्योंकि वो बहुत होंगे। सब कुछ जो आता है बुतलान है। नौजवानों को नसीहत। ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अय्याम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं। बारवां बाब। और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूस नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं, जबकि हनूस सूरज और रोशनी और चांद और सितारे तारीख नहीं हुए और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए, जिस रोज घर के निगेबान थर थराने लगे और जोर आवर लोग कुबड़े हो जाएं और पीसने वालियां रुक जाएं, इसलिए कि वो थोड़ी सी हैं और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाएं, और गली के कवाड़े बंद हो जाएं, जब चक्की की आवाज धीमी हो जाए और इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे और नखमे की सब बेटियां ज़ईफ हो जाएं, हाँ जब वो चढ़ाई से भी डर जाएं और दहशत राह में हो और बादाम के फूल निकले और टिड्डी एक बोझ मालूम हो और ख्वाहिश मिट जाए, क्योंकि इंसान अपने अबदी मकान में चला जाएगा और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे, बेशतर इससे कि चांदी की डोरी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और घड़ा चश्मे पर फोड़ा जाए और कौस का चरख टूट जाए और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापिस जाए। बातिल ही बातिल।
वाइज कहता है सब कुछ बातिल है। हासिल कलाम। गर्ज असबस के वाइज दानिशमंद था, उसने लोगों को तालीम दी। हाँ, उसने बखूबी गौर किया और खूब तजवीज की और बहुत सी मसले करीने से बयान की। वाइज दिलावेज बातों की तलाश में रहा, उन सच्ची बातों की जो रास्ते से लिखी गई। दानिशमंद की बातें पैनों की मानिंद हैं और उन खूंटियों की मानिंद जो साहिबाने मजलिस ने लगाई हूं और जो एक ही चरवाहे की तरफ से मिली हूं। सो अब ऐ मेरे बेटे, इनसे नसीहत पसीर हो। बहुत किताबें बनाने की इंतहा नहीं है और बहुत पढ़ना जिस्म को थकाता है। अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान कि इंसान का फर्ज कुल्ली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पोशीदा चीज के साथ, खा भली हो खा बुरी, अदालत में लाएगा।